जीव अपने कर्म से ही उच्च शरीर प्राप्त करता है और अपने कर्म से ही नीच शरीर प्राप्त करता है। इसको ठीक से समझना। हम चाहें तो एक बहुत बड़ा चांस दिया है प्रभु ने, एक बहुत बड़ा अवसर दिया है मनुष्यतम। अब यहां से हमारा प्रमोशन भी हो सकता है, डिमोशन भी हो सकता है, आपके हाथ में। अब आप चाहो तो नीच योनियों में भी जा सकते हो, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी न जाने कितने 84 लाख योनियां, और आप चाहो तो मनुष्य से देवता योनि में भी जा सकते हो, आपके हाथ में। स्वर्ग का द्वार भी आपके सामने है और नरक का द्वार भी आपके सामने। अब आप किसको चुनते हो ये आपके पास, परमात्मा ने विवेक दिया है, हाँ हमको विचार करना है। अब लोग कहते हैं सब भगवान की इच्छा से होता है, हम क्या करें, हाँ अरे गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद बोल दिए कि प्यारे कर्म न्यवाधिकारस्ते, मैंने कर्म में तुमको अधिकार दिया है, स्वतंत्रता दी है, जो मर्जी वो कर्म करो। स्वर्ग जाना चाहो तब भी तुम सोच लो, नरक जाना चाहो तब भी सोच लो, दोनों ही कंडीशन तुम्हारे सामने है। लेकिन हां याद रखना, जैसे कर्म में तुम स्वतंत्र हो ना, वैसे फल देने में फिर मैं भी स्वतंत्र हूं। तुम जो मर्जी कर्म करोगे तो फिर फल भी मैं भी जो मर्जी वो दूंगा। इसलिए भगवान ने हमको विवेक दिया है प्यारे, हम अपने विवेक से विचार कर कर्म करें, ऐसे कर्म करें जिनको वेदों ने प्रामाणिक किया है, शास्त्रों ने जिस कर्म को प्रामाणिक किया है, ऐसे कर्म कभी न करें जिससे हमारा डिमोशन हो। कितनी योनियों में भटकते 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 न जाने कैसे भगवान ने कृपा करके हमको एक चांस दे दिया, मनुष्य बना दिया।